क्या बोलूं अभी मैं इसके पहले वाले मैं बस क्लैप करना चाहूँ। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं फैजल सिस्टर्स के टिकटॉक पर। हमने अभी तक फैजल सिस्टर्स को इससे पहले देखा नहीं है एंड आई थिंक उनके यूट्यूब चैनल का नाम सिस्ट्रोलॉजी है। तो लेट्स चेक इट आउट। रेडी? रेडी। फातिमा फैजल। अच्छा, ये हर सिस्टर का अलग से होगा क्या इसमें? कितना स्मूथ था, इतना मतलब के ऐसा आगे कोई गिर ही जाए। मतलब फैशन सेंस भी अच्छा है बहुत ही। और सॉन्ग भी सूट कर रहा है। अभी तक जो इनिशियल इम्प्रेशन है जबरदस्त है। एक्सप्रेशन भी काफी अच्छा है और वो वीडियो के हिसाब से काफी अच्छा शूट किया है। इसके पहले मैंने एक चीज कहूँ तो मैंने इससे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखा नहीं। दिस वाज अमेजिंग। क्या किया यार, मतलब इतना बहुत स्मूथ है। सीरियस। और हम लोग ने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन वीडियोस देखे लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत अच्छा करती है। सारे सिस्टर्स ऐसे है क्या? पता नहीं, अभी इनको पहले तो इनको देखा है, ये फर्स्ट है। लोग बोलते हैं ना टिकटॉकर्स एफर्ट्स नहीं लेते, लेकिन यहाँ दिख रहा है एफर्ट। कितना एफर्ट लेती है? कुछ ज़्यादा ही। ओह नो, पैर ऊपर। बालों से कुछ। ये पूरी फैमिली है क्या? हो सकता है फैजल फैमिली। हाँ फैमिली है। ब्यूटीफुल फैमिली। अब ये भी कुछ जबरदस्त है। ये लेकिन फिर भी मुझे इतना सरप्राइजिंग नहीं लगा क्योंकि एक्सपेक्टेड था वो कपड़ा उधर लगाया हुआ। और ये ब्रांड का शायद से वो रहेगा एडवर्टाइजिंग, उसमें भी क्या यार हो सकता। जबरदस्त। कौन नहीं स्पॉन्सर करना चाहेगा इनको? लेकिन मैं सच कहूँ ना, इससे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी तक देखा नहीं। सारे देखे बहुत अच्छे लगे थे वो भी, लेकिन आज ये देखा तो वेरी इम्प्रेस होता। मैं भी क्यूरियस हूँ अभी बाकी सिस्टर्स का देखने के लिए। होता है क्योंकि बस अभी अभी भी वही। सर ये सॉन्ग ज्यादा सुनते हम लोग। ब्लैक काफी अच्छा लग रहा है। बसुड़ी कितनी बार सुन चुके हम। देखना कितना कैमरा वर्क। मैं बस अभी कुछ कहने वाला नहीं, अभी मैं वीडियो खत्म होने के बाद ही जो कहना है क्योंकि इतना अच्छा एंजॉय और क्या चल रहा है। डॉक्टर इकरा कवल। ये सॉन्ग सब सिलेक्टेड सॉन्ग है हमारे Spotify के। सॉन्ग के चॉइसेस भी अच्छे हैं इनके। हाँ, बहुत जो हमें अच्छे लगते हैं वो वाले। और हमारा चॉइस तो अच्छा ही है वैसे। हाँ, भी तो फिर कहा हम चॉइस में हुआ। चॉइस तो अच्छा ही है। ये भी है। वाह,
मतलब वाओ ये शॉट तो ये सारी सीन्स है क्या ट्रांसफॉर्मेशन में यार कोई मूवी का एक स्निपेट है वैसा लग रहा है कितना हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है ये भी जबरदस्त हो गया आई होप सारे सिस्टर्स को स्पॉन्सर्स मिला हुआ रहना चाहिए वो तो है सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं ब्रांड एम्बेसडर्स रहना चाहिए लोग क्योंकि कितने अच्छे से कैरी कर रहे हैं सारे अलग अलग कपड़ों के स्टाइल्स को गेट रेडी मेंटेन कर दिया अपना फैशन हम लड़के इतना एफर्ट नहीं लेता ना कभी कभी हमें क्या हमें एक शर्ट पहनना जीन्स पहननी है शूज पहनना या टी शर्ट पहनना है मुझे पता था आकाश वाओ बोलने वाला है ये ब्लैक ब्लैक कपड़ों में किसी भी ब्लैक ड्रेस में किसी भी लड़की को देखता है ये वाओ ही बोलता सीरियसली ब्लैक कलर ही वैसा है अट्रैक्टिव कलर है गुड लुकिंग यार लेकिन पहले वाला ड्रेस ज्यादा अच्छा लग रहा था हाँ बहुत अच्छा ठीक है आइडियाज भी कितने अच्छे अच्छे हैं इनके पास और इनका कैमरामैन कौन है हाँ वो तो शायद से वो सिस्टर्स ही हो गए और क्या वो है तो और भी इम्प्रेस हो जाएंगे क्योंकि वो कैमरा वर्क बहुत ही ब्रिलियंट कैमरा वर्क रहा है अभी तक जो भी देखा देखना सब मूवी के शॉट्स लग रहा वो तो है राबिया फैसल सब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है मैं बोला ना वही पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्वीन जो है ये लुक अच्छा लगा मुझे जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना तब देखना कैसे हो सकते हो ब्लैक ब्लैक बोला था मैंने जब ब्लैक ये मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं जानबूझ के वाओ बोल रहा हूँ ये निकलता ही है ब्लैक ड्रेस में देख लिया तो फिर वाओ बस इसमें राबिया के बाल थोड़े लंबे होने चाहिए थे और कैमरा वर्क देख रहा है आज से हरी का पैसे मेरा चेंज कर लिया अभी चेंज राबिया 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 ये बहुत बड़ा ट्विस्ट हो गया ये वीडियो के अंदर नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अभी और फोर्थ वाली सिस्टर को भी देखना देखकर डिसाइड करूंगा जल्दबाजी नहीं कर जल्दबाजी नहीं करनी जब आप और आपका दोस्त दोनों फेल हुए सेम है तू जो छू ले प्यार से आराम से क्या बोलूं अभी मैं सब तारीफ करके हो गया मैंने शायद से सच ये सही हो किया था अच्छा तो ये इसके पहले वाले मैं बस क्लैप करना चाहूंगा टिकटॉक का नाम खराब ही नहीं होता अगर हर कोई इतना हाई क्वालिटी वीडियो बना दो ड्रेस भी देखो बहुत ही अच्छा काफी अच्छी और क्यूट लग रही है हीरा फैसल अभी ये देखना है चेंज हर सिस्टर के साथ इसका नहीं नहीं ऐसी बहुत ही ब्यूटीफुल है एक्चुअली जो सेकंड वाली और ये जो लास्ट का जो आया ना वो दोनों काफी सिमिलर दिखती है मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में तुझे कौन पसंद आया मुझे लग रहा है यही वो होता है ना ऑप्शन एग्जाम में है ऑप्शन ए बी सी डी और
ई वाला ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, बी पे जाएगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव, सब सब पसंद है नहीं, सबसे ज्यादा पूछ रहा हूँ मैं यही है। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना सिस्टर्स में किसी को चूज करना, क्रिएटिव भी है सब। क्लियरली रिच भी है, होता है रिच तो हो गए फिफ्थ सिस्टर। ओके फोर लगा था मुझे लेकिन अपेरेंटली फाइव सिस्टर्स है। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। इनका जेनेटिक्स क्लियरली बहुत ही अच्छा है, पांचों के पांचों सिस्टर्स गुड लुकिंग। मुझे बुरा लग रहा है ये लास्ट टू सिस्टर्स के लिए, क्यों मालूम है? हम लोग ने इतना तारीफ ऑलरेडी कर दिया, एडजेक्टिव खत्म हो गया, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं ऐसा लग रहा है अभी लास्ट टू सिस्टर्स के लिए। एंड दोनों लास्ट टू सिस्टर्स भी एक्सट्रीमली क्यूट, वेल ड्रेस्ड, पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा हीरे मेरी सुन पे तेरी मेरे हाथों की ये लाठी। ये एक्चुअली सबसे छोटी लग रही है, काफी यंग लग रहा है, छोटी है शायद। मजबूरी नू आन जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाथ तेरे भेजा मैंने भी एक्सपेक्ट किया था जब हुआ। वाह क्या मस्त था, बहुत स्मूथ है यार इनके ट्रांसफॉर्मेशन। और जो एडिट्स भी है वो भी ध्यान रखो कि एग्जैक्टली वो वही था, कहीं से ऐसा लगता नहीं वो म्यूजिक के बीट पे चेंज करना परफेक्टली। सीरियसली मतलब माइंड ब्लोइंग यार, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस है यार इनके। बहुत टाइम के बाद मैं किसी टिकटॉकर से इतना इंप्रेस्ड हुआ हूँ, मैं वही चीज कहने वाला था। सीरियसली मैं कहूँ ना, इनसे बेहतर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आज तक नहीं देखा। ट्रांसफॉर्मेशन की बात यह है कि करने के लिए बहुत जन करता है, लेकिन जो परफेक्ट बीट पे चेंज हो रहा था प्लस जो कैमरा का मोशन था वो सब इतना परफेक्ट था कि बहुत स्मूथ लगता है सर। स्मूथ मतलब यार क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया भी है या नहीं पता नहीं चलता, कितना मैजिक लगता है, मैजिक एकदम मैजिक। सीरियसली बहुत सही किया, एस्पेशली फातिमा जो फर्स्ट वाली, हाँ सीरियसली। लेकिन सबके अच्छे थे, वो बस स्टार्टिंग में वो एक शॉक फैक्टर था, इसलिए हो सकता है मुझे लग रहा है क्योंकि उसने वो जो थ्रो किया था ना। सर मैं पहले कभी इनको क्यों नहीं देखा, फिर पता होना चाहिए था हमें इनके बारे में। लेकिन मैंने कमेंट्स में देखा है फैजल सिस्टर्स पर रिएक्ट करो, लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने फेमस है, इतने टैलेंटेड है। एक्चुअली क्या है, इसने एम्ब्रोस जो रेहान आपको पता होगा बहुत बड़ा रिएक्शन चैनल है, उसने किया हुआ था और उसने ही मुझे रिकमेंड किया, ये पूरा वीडियो भी उसने ही मुझे सेंड किया, इस पर रिएक्ट करो। तो थैंक्स टू रेहान, उसने इतना स्पेशली दिया मुझे ये पूरा वीडियो का कंपाइलेशन, बहुत ही सब सब सिस्टर्स बहुत बड़ी बात है।
तो थैंक्स टू हिम। और मैं ये बोलना चाहूँगा 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी है यूट्यूब पर इनके, एंड स्टिल हमें पता नहीं था, तो हम लोग कितने इग्नोरेंट हैं। अभी ये सोच रहा हूँ कि अभी इनसे इनके बाद भी कोई ऐसा होगा जो बहुत फेमस है और हमें पता नहीं है। हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या होता हम लोग वर्स्ट यार, रिएक्शन चैनल होके हमें पता नहीं था कि इतने टैलेंटेड और फेमस टिकटॉकर स्लैश यूट्यूबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या कर सकता है। जो भी है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई होप कि और भी वीडियोस देखने मिले इनके। जो भी वीडियो में बता रहा था मैं जस्ट ऐसा मजाक कर रहा था, ऐसा ज्यादा कुछ सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। क्रश के बारे में हम लोग कंट्रोवर्सी बना देते एकदम, लोग बहुत सीरियसली ले लेते कभी कभी, वैसा सीरियस वाला प्यार इसने सिर्फ आरी कर सके। नहीं नहीं, ये क्या बोल दिया। प्रॉब्लम क्या, हम लोग लड़कों की भी तारीफ करते हैं उतना ही करते हैं हम लोग। कोई भी लड़का टिकटॉकर भी हो, हम लोग ऐसा मेल फीमेल का ये नहीं करता। हमें कोई भी फैशनेबल लगा, गुड लुकिंग लगा, हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग ना इसी पे फोकस करता है, ओहो ये लड़की का बहुत तारीफ कर रहा है। और कब ऐसा चाहते हैं कि ये दोनों में से कौन कब अपना कुछ नया रंग दिखाया, मतलब तो ऐसा कोई नहीं है। मतलब हम लोग लड़कों का भी इक्वली तारीफ करते हैं, तारीफ करता है, हम लोग खुल के तारीफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।